नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान ग्राम सेवक भर्ती यानी कि वीडियो भर्ती का दोस्तों पेपर आउट होने को लेकर आप सबके लिए दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ रही है। और इसी के साथ दोस्तों आंसर की आपकी दोस्तों कई परीक्षा सेंटरों पर दोस्तों आंसर की पहले ही आपकी आ चुकी थी। क्या है पूरी अपडेट दोस्तों इस समय की वीडियो में बताऊंगा, तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। चैनल पर आपको राजस्थान ग्राम सेवक की पल पल की अपडेट दोस्तों आगे भी मिलती रहेगी। तो दोस्तों राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय बाटरबाग से जयपुर की तरफ से अपडेट है दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों, विकास अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में पेपर आउट होने के आरोप जी। दोस्तों अम्माबाड़ी स्थित एक स्कूल में बाहर बड़ी संख्या में परीक्षार्थी एकत्रित हुए, पेपर आउट होने की परिस्थितियों के द्वारा लगाए जा रहे हैं आरोप। परीक्षा से पहले ही पेपर सोशल मीडिया पर आने की बात, और इसी के साथ दोस्तों आपकी जो आंसर की है वो पहले ही पेपर दोस्तों आ चुकी थी। दोस्तों विकास अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में पेपर आउट होने के आरोप, अम्बावाड़ी स्थित एक स्कूल के बाहर बड़ी संख्या में दोस्तों परीक्षार्थी एकत्र हुए, और इसी के साथ दोस्तों दो डमी कैंडिडेट एग्जाम दे रहे थे उनको भी दोस्तों गिरफ्तार किया गया है। तो पेपर आउट होने से परीक्षार्थी लगातार दोस्तों आरोप लगा रहे हैं, और सोशल मीडिया पर दोस्तों पेपर आने की बात कही जा रही है। ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती की जो परीक्षा का आयोजन तो हो चुका है, 14,92,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दी दोस्तों। जयपुर में सबसे ज्यादा स्टूडेंट ने एग्जाम दिए दोस्तों, तीसरे चरण में 73.67% अभ्यर्थी उपस्थित रहे दोस्तों। 84,917 में से 62,596 अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा में 22,371 अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित। जी हाँ दोस्तों, आपकी अगर यहाँ पर उपस्थिति की बात किया तो लगभग दोस्तों 70 से 80% के बीच उपस्थिति है दोस्तों। हालांकि कल तक आपके लिए अपडेट आ जाएगी कितने स्टूडेंट जो है उपस्थित रहे हैं। तो फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान ने भी ट्वीट किया दोस्तों, विकास अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में पेपर आउट होने के दोस्तों यहां पर दोस्तों आरोप है वो लगाए जा रहे हैं, और इसी के साथ दोस्तों जो है इसकी जाँच के लिए भी दोस्तों आदेश दे दिए गए हैं। RSMSSB के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने कहा इसकी निष्पक्ष जाँच होगी, और जो भी इसमें दोस्तों दोषी पाया जाएगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा दोस्तों। हालांकि उन्होंने कहा है कि पूरा पेपर लीक नहीं हुआ है दोस्तों, कुछ एक जगह पर दोस्तों जो है पेपर आउट होने की दोस्तों जो है अफवाह उड़ाई गई है, और आपके दोस्तों पेपर को रद्द नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आंसर की आपकी बताया जा रहा था कि पेपर से पहले ही आ चुकी थी दोस्तों। अब क्या है इसकी पूरी अपडेट दोस्तों, कल या परसों तक दोस्तों जो है जाँच कमेटी बिठाई गई है, उसके द्वारा आज दोस्तों कोई ना कोई अपडेट निकल के आ जाएगी। फिलहाल में दोस्तों आपका पेपर है वो रद्द नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।